हो गया कनेक्शन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है, राइट। तो थायराइड ग्लैंड में हम लोग पहले पढ़े थे कि ये कैसा होता है, कहाँ पर पाया जाता है, नेक पर पाया जाता है, और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। और ये एक थिन मस्कुलर बॉडी का होता है, मतलब बहुत ही पतला थिन मस्कुलर बॉडी का होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ही जल्दी से आएंगे जाएंगे, बहुत आराम से इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर कोई पोजीशन के बारे में आगे पीछे पूछे तो ये देख लेना, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर में लैरिंक्स पाया जाता है, ठीक है। और लैरिंक्स के ऊपर में क्या यहाँ पर है, हायर बोन है। और हायर बोन से एक देखो, हम लंबा से एक ये कनेक्शन दिखाए हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक लिगामेंट होता है। जनरली आपको नाम तो दूसरा, लेकिन हायर लिगामेंट के नाम से अगर आपको कहीं किसी बुक में मिल जाए तो उसको अंडरस्टूड करना। तो यहाँ पर ठीक है, ये हायर बोन है। इसी के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लॉटिस वाला रीजन होता है, राइट। तो ये हो गया आपका लैरिंक्स, और लैरिंक्स को यहाँ पर यहाँ थायराइड हम कार्टिलेज भी लिखे हुए हैं। कोई दिक्कत इसमें अभी तक नहीं है। अब यहाँ पर अगर कोई पोजीशन पूछे तो आप पोजीशन में बोल सकते हो, क्या बोलोगे, अगर रिंग के बारे में, कार्टिलेज रिंग के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कार्टिलेज रिंग का यहाँ पहला कार्टिलेज रिंग हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये कौन सा है, C1 कार्टिलेज रिंग है। और इन बिटवीन C1 to C5, यानी कि C1 से C5 के बीच में जो कार्टिलेज रिंग है, इसके बीच में आपका क्या थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। यानी कि एग्जैक्ट पोजिशन कौन सा होगा, C1 C5 तो दिख रहा है ना, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, C2 to C4 कार्टिलेज रिंग में आपका यहाँ पर क्या है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। अब आ जाते हैं ट्रैकियल रीजन में। अगर ट्रैकियल रीजन की अगर कोई बात पूछे तो ट्रैकियल रीजन क्या होगा, हमारा C5 सर्वाइकल, C5 टू थोरैक्स, T1। इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपका एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल पोजीशन यहाँ पर हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देख लो कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। और नेक रीजन में ये एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट लाइज बिटवीन द C1 एंड C1 कार्टिलेज टू C5 कार्टिलेज रिंग। द एग्जैक्ट पोजिशन विल बी C2 रिंग टू C4 रिंग। ये हो गया। अगर हमसे कोई वर्टिब्रास कॉलम में बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया। अगर इसके ऊपर में बोले तो इसके ऊपर में लैरिंक्स पाया जाता है, और लैरिंक्स के ऊपर में क्या होता है, हायर बोन होता है। अच्छा, यहाँ पर नाम नहीं लिखे, यहाँ पर कैरिक्वाइड होगा, ये आपको पता है ना, कैरिक्वाइड है। और यहाँ पर एंडिंग कहाँ पर होगा, हमारा C5 कार्टिलेज रिंग। तो ये हो गया आपका ओवरऑल व्यू स्ट्रक्चर ऑफ द। अब आप किसी भी बुक में या गूगल में डिफरेंट परफॉर्म जो फिगर देखोगे आपको इजीली समझ में आएगा, उसमें कुछ ना कुछ छूटा होगा या कुछ एड ऑन होगा, तो इससे ज्यादा एड ऑन नहीं होगा। बाकी आर्टरीज वेंस मसल्स है तो वो अलग है, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो थायराइड ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, जो अनदर अगर कोई वीडियोस देख रहे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखना कैसे इंटरेस्टिंग आज, क्योंकि थायराइड हर घर में पेशेंट है, थायराइड्स के है ना, हर घर में पेशेंट। अब आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज होगा तो हम लोग क्या होंगे, ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और उस चीज़ को हम लोग थोड़ा कम कर सकते हैं उस बीमारी को। तो देखना थायराइड क्या होती है, होती तो सबको है ना, थायराइड प्रेजेंट, ये ग्लैंड सबको प्रेजेंट है, क्योंकि इसका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, अलग अलग वर्क परफॉर्मेंस है। तो वर्क परफॉर्मेंस में पहला क्या होता है, BMR होता है, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मार्क, ठीक है। अच्छा देखो, बेसल मार्क होता क्या है, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कह सकते हैं या बेसल मार्क कह सकते हैं। बेसल मार्क क्या होता है हम आपको बताते हैं, हम जब भी सोए रहते हैं तब भी हमारा इंटेस्टाइनल वर्क करता रहता है कि नहीं, है ना, डाइजेस्ट होता रहता है, हमारा हार्ट बीट चलता रहता है, सबका अपना अपना एक फंक्शन हो क्या है, सुचारू रूप। क्या हमारा हार्ट, हम सो जाते हैं तो क्या हमारा हार्ट भी सो जाता है, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन तब भी हम लेते हैं। ये जो प्रॉपरली एक्टिविटीज को जो ध्यान रखता है वो BMR देखता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये क्या करता है, किसी किसी बुक में BMA है तो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, BMA भी कर लो तो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया। ये क्या करता है, हर एक चीज को सुचारू रूप से वो नियंत्रण में रखता है। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बता दें, एग्जांपल में अगर कोई पेशेंट कोमा में हो, है ना,
कॉमा मतलब वो टोटल अनकॉन्शियस है, टोटल अनकॉन्शियस है, लेकिन उसका दिमाग चल रहा है, है ना, उसका दिमाग भी चल रहा है, उसके आर्टरी वेंस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहे हैं, पल्स रेट भी चल रहे हैं, दिल की भी धड़कन क्यों चल रहा है, क्योंकि उसमें बीएमए अभी भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आया, और इसी चीज को सुचारू रूप में करने में कौन हेल्प करता है, थायराइड बेसल मेटल्स, कौन करता है, थायराइड बेसल, बेसल को कौन नियंत्रण करता है, थायराइड। अब आपको इंटरेस्टिंग समझ में आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, है ना। अब क्या होगा, जब भी आप किसी को कुछ प्रिस्क्राइब करोगे, किसी को कुछ सजेशन दोगे ना, तो उसको बहुत अच्छे से आप सजेशन दे सकते हो, क्योंकि आप उसका ओड़ और छोड़ आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। चलो और देखना, तो ये हो गया, पहला हो गया बेसल मेटाबॉलिक, सेकंड क्या, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस में भी ये बहुत हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या, कौन उस फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। इसी एक्टिविटीज को भी नियंत्रण कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। देखो छोटा सा ही ग्लैंड आता है, और छोटा सा ग्लैंड आपका इरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है, है ना। और इसीलिए अगर किसी का हम लोग जैसे सजेस्ट करते हैं कि इस ग्लैंड को हटा दिया जाए, या ये है वो है, तो जब भी कोई अच्छा सजेशन ले तो 2-3 डॉक्टर से हमेशा आप मिल ले, सजेशन ले ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हो गया ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स में क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स में भी ये अलग तरह का, देखो आप किसी की, अब देख रहे हैं हम लोग कोई किसी की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी एक फैक्टर कौन सा आपका करता है, थायराइड ग्लैंड। अब देखो इस थायराइड ग्लैंड में जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन्स में भी किस चीज़ का ग्रोथ हार्मोन्स करता है, स्केल्टल का ग्रोथ। स्केल्टल मतलब जब आपका बोन ही ग्रोथ नहीं करेगा तो उस पर मसल्स कैसे चढ़ेगा, राइट। आपका बोन्स तो ग्रोथ करना ही चाहिए, तो जो बोन्स में जो स्केल्टल ग्रोथ है उसको नियंत्रण कौन करता है, आपका थायराइड ग्लैंड करता है। अब यहाँ पर देखो हम लिख दिए स्केल्टल ग्रोथ, तो आप इसको समझ रहे हैं, जो स्केल्टल ग्रोथ है उसको भी कौन नियंत्रण करता है, आपका थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लिख रहा है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि वो ज्यादा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड। थायराइड में भी कौन, पैराथायराइड, उसमें कैल्सिटोनिन पाया जाता है, तो वो क्या करता है, आपका रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। तो जब ज्यादा हो जाता है तो उसको वो कम कर देता है, लेकिन जो कम है उसको तो रेगुलेट करना है ना, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। अगर कैल्शियम की मात्रा उसमें कमी हो जाएगी, है ना, तो क्या वो बोन डेवलप करेगा, क्या नहीं करेगा, सिंपल सा बात है कि वो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लो मेंटल रिटार्ड। ऐसा देखा गया है कि जिसमें थायराइड का प्रॉब्लम आ जाए, थायराइड भी बहुत तरह का थायराइड होता है, तो उसको भी चर्चा हम लोग आज ही करेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थायराइड है, वैसे वैसे पेशेंट को क्या है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाता है, जो दिमाग से वो क्या है, ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप उसको ध्यान दें कि आप न्यूरो के पास तो आप सजेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्राथमिक है तो आप उनको एक बार उसके फिगर आउट से या उसके साइन एंड सिम्टम्स से, आप उसको थायराइड का भी साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको मिले तो आप उसको एक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप थायराइड का टेस्ट करवा लो, देख लो उसका क्या रेट है। तो वो कौन सा है, मेंटल रिटार्ड। तो मेंटल रिटार्ड भी कौन आपका सर्कुलेट कौन ध्यान देता है, सोचो मेंटल रिटार्ड हम लोग यहाँ से होते हैं, लेकिन सर्कुलेट यहाँ पर देखता कौन है, कौन हार्मोन जनरेट करता है, थायराइड हो गया। उससे पहले रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम हो गया, कौन करेगा, थायराइड करेगा। ग्रोथ हार्मोन्स कौन करेगा, एरिथ्रोपोइसिस कौन करेगा, थायराइड। और फिर बेसल मास कौन करेगा, थायराइड करेगा। तो सोचो कि इतना छोटा सा जो हमारे गले में है ये कितना बड़ा फंक्शन को अदा करता है, इसीलिए अगर इसमें भी कुछ भी प्लस माइनस हो जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर का एक सजेशन ले लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा हो जाए तो इट्स विल बी बेटर कि हम लोग पहले उसका रोकथाम या कोई अच्छा सा उसको सजेशन दे दे पेशेंट को, ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई। थायराइड में जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि दो तरह के थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग जनरली देखते हैं कि एक किसी का शरीर दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा है, है ना, और एक का देखते हैं दिन प्रतिदिन वो पतला होते जाता है। अब आप जो मोटा होते जाता है तो आप अपने दिमाग से बोल दोगे कि है ना, जो मोटा हो रहा है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे और जो पतला हो रहा है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली अब कोई थायराइड में भी होगा तो आप इसको समझ इजली सिग्निफाइज कर सकते हो कि जो दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा है ना, उसको हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म
कहीं जो वैसे मास होता है वो क्या होता है, हाइपोथायरायडिज्म की अगर चर्चा करेंगे तो वैसल मार्क वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर हाइपर की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब हमेशा ध्यान रखना, और हम जो नोट्स देंगे उसमें आपको लिखा रहेगा, बस समझने की बात है वो समझ लेना। अब क्यों है, आप इंटरलिंक्ड कर सकते हो इजिली, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा वो ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ठीक से वो T3 T4 का संरचना नहीं कर पाता है इसीलिए। तो ये हो गया, आपको इतनी बात समझ आ गई कि अगर ओबेसिटी वाली जो दिन प्रतिदिन वो मोटा और थुलथुला हो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथायरायडिज्म, और जो दिन प्रतिदिन वो क्या हो रहा है, सूखते जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, हाइपरथायरायडिज्म। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बात समझना, नेक्स्ट ये है कि जो दिन प्रतिदिन मोटा होते जाएगा, आप कभी उस चीज़ को मत कहना कि ये बहुत खाता पीता होगा, है ना, कुछ काम नहीं करता होगा। अरे उसको मन ही नहीं करता होगा काम करने का, क्यों, क्योंकि उसको भूख नहीं लगती होगी, वो खा नहीं पाता होगा। वैसे पेशेंट जो दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं उसको ना ही भूख लगती होगी, और जब आपको भूख ही नहीं लग रही है, आप कुछ अन्न का दाना ही नहीं डाल रहे हो जितना आपके बॉडी में चाहिए, तो वो क्या होगा, वो लेथार्जिक होगा कि नहीं होगा। लेथार्जिक मतलब सुस्तपन, और कहीं पर भी वो बैठा हुआ है तो बैठने का ही मन करेगा, सोने का, सो रहा है तो मन करेगा एकदम हमेशा लेटे रहे, क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में किसी तरह का एक्टिवनेस आएगा ही नहीं, राइट, क्योंकि इसको भूख लगे कि नहीं। तो ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स, अब देखना, अब जरा हम हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म का एक साइन एंड सिम्टम आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने लिखा कि ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या है, उसका मोटा फुलथुला बॉडी होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंड में क्या है, लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब वो सुस्तपन, सुस्तपन मतलब बैठा है तो उसको मन करेगा कि वो बैठे रहे, खड़ा है तो वहाँ मन करेगा लेट जाए, तो उसमें क्या होगा, लेथार्जिक होगा, क्या होगा, लेथार्जिक होगा। और लेथार्जिक के बाद नॉन इंसोम्निया होगा, नॉन इंसोम्निया मतलब क्या है, उसको नींद नहीं आएगी, वो सोए रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगी, दिमाग में कुछ कल चलता रहेगा, एक होता ना स्लीपनेस, एक स्लीप माइंड जो होता है, जो बहुत आराम से उसको नींद आ जाए, तो वैसा उस पेशेंट को नहीं होगा। और कैसे होगा, उसके बॉडी में जो खुराक चलना चाहिए वो तो चल ही नहीं रहा, तो आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट आपका होता ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, लो एपेटाइट, लो एपेटाइट मतलब उसको भूख जो है बहुत ही कम होगी, उसको हम पुअर एपेटाइट भी कह सकते हैं। अच्छा, एपेटाइट मतलब भूख होती है, राइट, तो जो लो है यानी कि वो क्या है, पुअर है, वो क्या है, कम है। तो जो भी आपके हाइपो वाले जो पेशेंट होंगे उसको भूख प्यास कम लगेगी। अच्छा, भूख प्यास कम लगेगी जब वो खाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा, सब एक दूसरे से मिलाने वाली बात है, कॉन्स्टिपेशन होगा। अब उसके बाद देखो, एक चाय हमने यहाँ पर लिखा है कि मेंटल रिटार्ड या विड्रॉल, वो मेंटल रिटार्ड हो सकता है बच्चा, है ना, छोटा हो जाएगा, कम हाइट होगी, है ना, जिसका हाइपोथायरायडिज्म है, कम हाइट है, और वो क्या है, दिन प्रतिदिन उसका दिमाग भी उस तरीके से विकसित नहीं होगा, सोचो ये सब इसका खेल है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, मसल्स वीकनेस। अच्छा, मसल्स वीकनेस होगा कि नहीं, क्यों नहीं, देखो क्या होगा, जब ये आपका आपका ये जो स्किन है, वो स्किन दिन प्रतिदिन ये क्या होगा, फूलते जाएगा, राइट, फूलते जाएगा, तो फूल जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाटर का जो कंजप्शन है, वो वाटर का कंजप्शन मसल्स लेता रहेगा, राइट, तो जिसके कारण जो स्किन है, स्किन क्या है, एबनॉर्मली वो क्या होगा, स्वेलिंग होता रहेगा, फूलता रहेगा, जब स्वेलिंग होता है इसमें तो वीकनेस आ गया ना, ये तो आपका वीकनेस हो गया। अच्छा, वीकनेस होने के बाद होता क्या है कि जब बहुत सारे ऐसे पेशेंट को आप थायराइड हाइपोथायराइड का देखोगे, उसमें क्या होगा, एडिमा हो गया, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फूल जाता है, और स्वेलिंग और भी ज़्यादा अगर उसको ठीक से क्योर नहीं किया गया तो उसमें क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, पानी उसमें एक्यूमुलेट करने लगता है, पानी उसमें भरने लगता है, तो ये हो गया आपका मसल्स क्या हो गया, आपका वीकनेस हो गया, और भी ज़्यादा अगर आप क्योर नहीं हुआ वैसे पेशेंट को, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर एक्यूमुलेट करने लगेगा, हम तो एकदम पानी भरा हुआ मसल्स हम ऐसा देखे हैं कि आपको लगेगा कि बस हमें पिंक कर दे, या अगर उसको कुछ फुंसी भी अगर वो खुल एकदम वाटर पूरा ऐसे करके लगेगा, बस लाइक वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, तो ये ऐसा भी होता है। तो आप ऐसा अगर आपको पेशेंट मिले तो आप तुरंत एकदम साइन एंड सिम्टम्स मिला के आप उनको बताएं कि है ना आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये वाला टेस्ट करवा लें।
अच्छा ये भी देखो मसल वीकनेस हो गया, मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन, तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन तो ये किस में होगा, मेल में होगा फीमेल में होगा? फीमेल में होगा। तो मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन में क्या होगा कि जो जो हम लोग 24 या 25 डेज के बाद जो मेंस्ट्रुअल होता है गर्ल्स में, वो क्या होगा, इररेगुलरिटीज हो जाएगी, वो ठीक से जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे नहीं होगा, या फिर आगे हो जाएगा या फिर पीछे हो जाएगा। देखो चार दिन आगे पीछे हम बार बार बता रहे हैं लड़कियों का, देखो मेल भी इसको ट्रीट करेंगे, तो इतना याद रखना कि किसी भी लड़कियों को अगर मेंस्ट्रुअल हो रहा है चार दिन आगे या चार दिन पीछे, मेंस्ट्रुअल का जो डेट है अगर उसके बीच में हो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा गैपिंग लग रहा है तो आप समझ लेना वो इरेगुलरिटीज़ है। और 18 मतलब जो बच्चे जो जानकार नहीं होते हैं, जो रूलर प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल की दवा दे देते हैं, मेंस्ट्रुअल की दवा दे देते हैं, वो भूल जाते हैं कि एक साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पर भी मिलाना चाहिए। आप इसकी दवा अगर आप दोगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, ठीक है। इसी ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना आप लोग, ठीक है। अच्छा उसके बाद बहुत हद तक यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, तो इसमें क्या होती है आयोडीन की कमी हो जाती है, ग्वाइटर हो जाता है। फिर उसके बाद एक और हम बोले थे आप लोगों को कि डिजीज़ कुछ सर्च कर लेना, अगर आप डिजीज़ सर्च किए तो आपको यहाँ पर मिला होगा हैशिमोटो थायरॉइडाइटिस। तो इसमें क्या होता है, अच्छा थायरॉइडाइटिस लिखा है तो आप समझ गए ना कि इन्फ्लामेशन इन द थायराइड। इसमें जनरली क्या होता है, T3 का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और T4 का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे भी डिजीज़ होते हैं जिसमें जब आप कभी रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें ये भी होगा कि T3 भी कम होगा, T4 भी कम होगा, लेकिन TSH ज़्यादा होगा, है ना। वो भी आपका किसका केस हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म का ही वो केस होगा। आप बस आप रिपोर्ट देखना और पेशेंट को देखना, तब आपको दोनों टैली करेगा, तब आप समझना कि आप जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चलता है। उसके बाद सीवर एडिमा, सीवर एडिमा, एडिमा मतलब क्या होता है, फूल जाना, एडिमा मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग फूल जाना। तो अच्छा बताओ ये सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, ये आए। उसके बाद सेम एज हम लोग हाइपरथायरॉइडिज्म का देखते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म में पहला क्या देखे हम लोग, ओबेसिटी, ओबेसिटी यहाँ पर क्या है, लो, मतलब वो दिन प्रतिदिन खाएगा पिएगा वो, अच्छा हम यहाँ पर नहीं बोल रहे कि पुअर एपेटाइट, या उनकी भूख अच्छी होगी लेकिन वो खाएगा पिएगा और उसको लगेगा भी नहीं। और अब हम जो आपको बोलने जा रहे हैं, आप उसको मिलाना, अगर आप कुछ लोग प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो जरा साइन एंड सिम्टम्स मिलाना, आपको कितना मिलेगा जरा ये देखना। एक ओबेसिटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या है, वो लीन है, थीन होगा, पतला दुबला होगा, खाएगा पिएगा लेकिन पतला होगा। लेकिन ऐसे बच्चे भी क्या होंगे, लेथार्जिक होंगे, ऐसे भी बच्चे क्या होंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी एक्टिव होंगे, वो भी क्या होंगे, लेथार्जिक, क्योंकि उसके शरीर में उसके बोन में वो कैल्शियम का जो फंक्शन, ब्लड फंक्शन है, वो ब्लड फंक्शन ठीक से तो हो ही नहीं रहा है, तो वो बच्चा कहाँ से दौड़ेगा कूदेगा, राइट। वो भी वो क्या, किस पोजिशन में आएगा, लेथार्जिक में ही आएगा, सुस्त जिसको कहते हैं, इंसोम्निया, हर हमेशा मन करेगा वो बच्चे या वो पेशेंट क्या, हमेशा सोते रहे, तो इंसोम्निया रहेगा। एपेटाइट गुड, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एपेटाइटिस गुड, खाता पीता बच्चा रहेगा लेकिन शरीर उसका ग्रो अप नहीं करेगा। उसके बाद सेम है इन चाइल्ड में, वही मेंटल रिटार्ड भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, या फिर ड्वार्फ भी हो सकता है, ड्वार्फ मीन्स जिसकी कम हाइट हो, तो वो हो जाएगा ड्वार्फ। उसके बाद मसल्स वीकनेस, क्योंकि आपके परत में, आपके स्किन में, बॉडी में लगेगा ही नहीं, तो वो मसल्स वीकनेस होना ही होना है। उसके बाद देखो मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन, इसमें भी होगा, कोई कोई ऐसी लड़की है जिसको देखना, आपको देखते ही लगेगा कि यार इस लड़की है, एज अच्छा है, लेकिन वो क्या बहुत ज़्यादा लीन एंड थीन है, है ना। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आपको बताएगी और वो आपके पास आएगी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए ही, लेकिन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ये आपका काम होगा कि आप साइन एंड सिम्टम मिला के उसको सजेशन कर दो कि आप एक थायराइड का टेस्ट भी करा ले। और याद रखना डियर कि हमेशा जब भी थायराइड टेस्ट कराना, कभी भी एक टेस्ट मत कराना, तीनों टेस्ट कराना, T3, T4 और TSH, किसी एक के बिहाफ पे या दो के बिहाफ पे, जनरली लोग T3, T4 कर देते हैं या T4, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि टेस्ट कराना तो तीनों कराना, T3 कराना, T4 कराना और TSH कराना, और उसी के बिहाफ पे हम लोग क्या है, मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करना। और उसके बाद नेक्स्ट देखना ग्रेव्स डिजीज। अच्छा मेंस्ट्रुअल इररेगुलेशन समझ में आया ना कि इसका भी मेंस्ट्रुअल क्या होगा, इररेगुलरिटी, या फिर पहले हो जाएगा या फिर बाद में होगा, और जो भी होगा, या फिर ब्लीडिंग जो है, जो डिस्चार्ज होनी चाहिए वो क्या होगी कि, या फिर बहुत ही कम होगी, है ना। और कुछ कुछ दिन पे, 15-15 दिन, 10-10 दिन, सोचो किसी एक लड़कियों को अगर 10-10 दिन पे वीक ब्लीडिंग हो तो क्या प्रॉब्लम, कितना ज़्यादा उसको वीकनेस हो जाएगा, राइट। हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को।
या फिर बहुत कम ब्लीडिंग होगा, और या फिर होगा तो कंटिन्यूस बहुत इतना ब्लीडिंग हो जाएगा कि परेशान हो जाएगी वो लड़की। तो जब भी इस तरह का केस देख रहा तो अपने अपने आप को उसको रख के देखना कि कितना प्रॉब्लम उस लड़की को हो रहा होगा, और फिर अच्छे से जो आपको सजेस्ट लगे आप वैसा उसको एडवाइस दे सकते हो। अब उसका नेक्स्ट देखना ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज भी बहुत देखा गया, ग्रेव्स डिजीज देखना। अब लगेगा आपको कि ये साइन एंड सिम्टम्स हम देखे हैं लेकिन कभी सोचे नहीं। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका आँख एकदम ऐसे फूला खुला खुला एकदम बड़ा बड़ा ऐसे खुला खुला लगेगा, जैसे लगेगा कि एबनॉर्मल, जैसे हमारे आईज है उनके आईज वो ऐसे करेंगे, आईबॉल्स लगेंगे एकदम खुले खुले बड़े बड़े। तो हम लोग बोलेंगे ना इनके पापा ना इनके फैमिली में कोई ऐसा है, फिर भी इसका कुछ ऐसा सिम्टम्स हो रहा है, तो वो भी एक आपका कारण इसका भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स आप मिला के देख सकते हो। उसके बाद जरा एक देखना नोड्यूल्स डिजीज। हमको तो पता नहीं, हम मुझे तो बहुत ऐसे केसेस मिलते हैं, आप लोग भी ऐसे केसेस घर में देखते ही होंगे या आसपास में देखते होंगे। कोई छोटा बच्चा जो ग्रो अप हो रहा है ना, 4 साल 5 साल या उससे भी छोटा, देखोगे उसका हर एक जगह पर ना, है ना, बड़े को भी हो रहा है, बड़े को भी हम देख रहे हैं कि हर एक जगह यहाँ पर क्या है, नोड्यूल्स हो रहा है, और नोड्यूल्स हो रहा है। लेकिन बच्चे में क्या है, ये नोड्यूल्स हम यहाँ पर कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ, कभी सर में, मतलब ऐसा भी नोड्यूल्स अब किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हो सकता है, है ना, राइट। तो ये भी एक नोड्यूल्स का जो शिकायत होता है वो किसका होता है, हाइपरथायराइडिज्म। अब बोलो आप ऐसा केस देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना। अच्छा एक बात, कभी आप सोच सकते थे कि इसका कारण कौन होगा, आपका थायराइड का होगा? और ऐसे बच्चे खाते, उनकी मम्मी से कभी आप पूछना, वो बच्चे खाते पीते हैं, वो बहुत अच्छे से खाएंगे, मतलब सेटिस्फैक्ट्री, आप जितना दोगे वो बच्चे सेटिस्फाइड करके आप वो खाएंगे पिएंगे, लेकिन उनका बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा, वो लीन एंड थिन होंगे। तो पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम, वो बोलेंगे डॉक्टर्स को आके कि बच्चा तो खाता पीता है लेकिन इसको शरीर लगता नहीं है, ये बढ़ता नहीं है, राइट। हाइट भी उतनी अच्छी नहीं होगी, जिस मुकाबले एज है हाइट भी उतनी अच्छी नहीं होगी, और साथ में क्या होगा कि पतला दुबला तो होगा, लेकिन साथ में आप एक चीज और मिलाना, ये मेरा निजी अनुभव है, हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे ना बहुत दिमाग के बड़े तेज होते हैं, दिमाग के तेज मतलब आप एक बार पढ़ा दो वो समझ जाएंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी वो क्या होंगे, भूल भी जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम्स ऐसा मिलता है बच्चों को, तो आप इस पर भी जरा देखना। अब आपको समझ में आए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी ग्वाइटर रहेगा, इसमें भी क्या होगा, ग्वाइटर प्रेजेंट रहेगा। तो ठीक है, हम लोग ग्वाइटर तो जान ही रहे हैं आम भाषा में कि ग्वाइटर है तो थायराइड का प्रॉब्लम होगा ही होगा। अब बताओ ये समझ में आया? समझ में आया तो थोड़ा और दिमाग को फ्रेश करके जो अभी हम बता रहे हैं वो चीज समझना, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है ये थायराइड होगा ना, हाइपो और हाइपर ही लिख देते, ठीक है थायराइड आप लेना, हाइपो और हाइपर। अब देखना जरा कि अगर हम जो बात कर रहे हैं वो हम लोग T3, T4 और TSH पे बात कर रहे हैं, तो बड़ा एकदम दिमाग फ्रेश करके मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये एक हम ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका बनाया है, थायराइड ग्लैंड का बनाया है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इस थायराइड ग्लैंड में देखो, जिसको नहीं दिख रहा होगा वो आगे आ जाना, ठीक है। ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें हमने चार ये जो सर्कल पे बहुत डार्क कलर किया है, तो ये तो आप जानते होंगे ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गोल गोल सा है, ये गोल गोल सा बड़े बड़े अक्षरों में ब्लू से जो है वो क्या है, फॉलिकल्स है, ठीक है, ये क्या है, फॉलिकल्स है। और ये जो रेड कलर से है, रेड कलर से ये क्या है, पैराफॉलिकल्स है, ठीक है। एक बार और देख ले, ये थायराइड ग्लैंड का एक फोटो है जिसमें हमने चार डार्क, ये चार प्रेजेंट होते हैं, ये कौन से प्रेजेंट होते हैं, पैराथायराइड होते हैं, पैराथायराइड इसके अंदर में देखोगे यहाँ पर क्या फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में यहाँ पर रेड रेड है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराफॉलिकल्स, ठीक है, समझ में आया। अब जरा और कनेक्ट होकर देखना कि ये एक फॉलिकल्स को अगर हम मैग्निफाइड स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, कुछ ऐसा दिखेगा। उस दिन भी हम बताए थे और आज भी बताए कि ये एक फिगर किसका है, फॉलिकल्स का। फॉलिकल्स में जो ये स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्या कहेंगे, क्यूबाइडल एपिथेलियम। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, इस थायराइड ग्लैंड में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये क्या करता है, उसमें से आयोडीन होता है, आयोडीन को ट्रैक करता है, आयोडीन को ट्रैक करता है अपने अंदर, वो क्या करता है, आयोडीन को
ट्रैप करता है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या करता है, वो आयोडीन को ट्रैप करेगा। ट्रैप मतलब कैप्चर करेगा, हाँ, उसको अंदर में लेगा। तो ये आयोडीन को ट्रैप किया, ठीक है, इसका फंक्शन समझ में आया। अब देखो जरा एक फंक्शन और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, एक और क्या होता है, ये क्या होता है, ये थायरोग्लोबुलिन को बहुत ज्यादा बनाता है, थायरोग्लोबुलिन को बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन करता है। और ये थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, थायरोसिन रिलीज करता है। क्या करता है, थायरोसिन रिलीज करता है। एक बार और देखें, ये एपिथेलियम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेनली दो फंक्शन है, एक फंक्शन है कि वो ब्लड में जितनी भी आयोडीन है उसको अपने अंदर में क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर उसको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर वो ट्रैप हो गया। साथ में इसका दूसरा काम ये होता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, थायरोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा बनाता है। और थायरोग्लोबुलिन का बहुत अच्छा फंक्शन ये है कि वो थायरोसिन को वो रिलीज करता है, उसमें से थायरोसिन रिलीज करता है। जरा एक मैथमेटिकल का थोड़ा सा फॉर्मुलेशन है, जरा इसको जरा समझना आप लोग। थायरोसिन को रिलीज करता है, जैसे ये हो गया, ये इसमें क्या है, थायरोसिन है, ये क्या है, थायरोसिन है, इसमें एक थायरोसिन बना। थायरोसिन में अगर एक आयोडीन ट्रैप हो जाता है, यानी कि एक थायरोसिन प्लस एक आयोडीन अगर ट्रैप हो जाता है, तो उसको आप क्या, मोनो थायरोसिन और एक आयोडीन अगर वो मिल जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, मोनो आयडो थायरोसिन। क्या कहेंगे, मोनो आयडो थायरोसिन। यानी कि सिंपल में क्या हम लोग बोलते हैं, MIT। सिंपल में क्या कहते हैं, MIT। अब देखो जरा, यानी कि यहाँ पर भी थायरोसिन है ना, अगर एक थायरोसिन में दो आयोडीन अगर मिल जाए तो हम इसको डाई आयडो थायरोसिन कहेंगे। यानी कि हमने बोला कि एक थायरोसिन में दो आयोडीन अगर मिल जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डाई आयडो थायरोसिन, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली में DIT कहेंगे, जिसको सिंपली में क्या कहेंगे, DIT। अब जरा ये बताना, गणित का बात है कि ये बताना कि एक DIT प्लस एक MIT, एक DIT प्लस एक MIT, क्या ये T3 का फॉर्मेशन करेगा, ट्राई आयडो थायरोसिन। और इसी ट्राई आयडो थायरोसिन को हम लोग क्या कहते हैं, T3, उसका फॉर्मेशन क्या है, T3। जरा एक बात और बताना कि अगर फिर ऐसा है तो DIT प्लस DIT को क्या हम लोग T4 कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थायरोसिन। तो ये बातें समझ में आई, एक बार और देख लेना और बात अच्छे से समझना। देखो आज लास्ट क्लास है इसका, उसके बाद हम लोग ओवर करेंगे इस क्लास को, ठीक है, एक बार इसको देख लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ओनली फॉर द मेडिकल एंड पैरामेडिकल, मेडिकल में पैरामेडिकल में कम पढ़ना है, लेकिन इतना भी पढ़ना है तो बहुत है हम लोग के लिए। और जो मेडिकल वाले हैं तो उनका तो अथाक होता है, उनका तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग को समझने के लिए इतना ही समझो कि अगर यहाँ पर ये क्या है आपका, एक पैरा आपका ये क्या है, फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स क्या करता है, यहाँ पर ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करता है, आयोडीन को ट्रैप करता है, साथ में फॉर्मेशन किसका करता है, थायरोग्लोबुलिन का। और थायरोग्लोबुलिन क्या करता है, थायरोसिन को रिलीज करता है। और जो थायरोसिन है यहाँ पर जो थायरोसिन बना है, और उसमें अगर एक आयोडीन अगर मिल जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यानी एक आयोडीन प्लस एक आयोडीन, मोनो आयडो थायरोसिन, मोनो आयडो थायरोसिन। यानी कि सिंपल में हम लोग इसको क्या कहेंगे, MIT। अब यहाँ पर देखना, अगर एक थायरोसिन, क्योंकि थायरोसिन तो एक ही रहेगा, एक थायरोसिन में अगर दो आयोडीन अगर ट्रैप हो जाता है, यहाँ दो आयोडो ट्रैप हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे डाई आयडो थायरोसिन, डाई आयडो थायरोसिन, जिसको हम लोग सिंपली कहेंगे DIT। और आई आयडो थायरो ट्राई आयडो थायरोसिन, जिसको हम लोग सिंपली में क्या कहेंगे, T3। अब T3 हो गया, अब DIT प्लस DIT बनाएगा T4, जिसको हम लोग कहेंगे थायरोसिन।
आई बात समझ में? यस मिस। है ना, तो ओके अब क्या बताओ, इसको क्या रिवीजन करना चाहिए कि हो गया? हाँ क्या अगर देखो हम रिविजन कर रहे हैं, फिर भी सुन लो मेरे सेटिस्फैक्ट्री के लिए एक बार फिर से लो कि हम लोग यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? आपके नेक में एग्जिस्ट करता है। तो ये कैसा होता है? बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर होता है। कलर कैसा होगा? रेडिश कलर का होगा। ये थिन मस्कुलर का है तो थिन मस्कुलर का होगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके ऊपर में अगर बोले जाए तो क्या पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। उसके नीचे में क्या पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है, सॉरी ट्रैकियल रीजन, ट्रैकिया पाया जाता है। और लैरिंग्स के ऊपर में क्या होता है? हायोड बोन होता है। और हायोड बोन से भी आपका एक लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है। और इस हायोड बोन यानी कि ऊपर वाला रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। अगर इसका पूछा जाए कि कहाँ पर पाया जाता है तो हम लोग ये बोलेंगे इट लाइज बिटवीन अगर सी शेप्ड कार्टिलेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इट लाइज बिटवीन C1 to C5। बट द एग्जैक्ट पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो C2 to C4। और अगर हम वर्टिब्रास कॉलम की बात करेंगे तो इट लाइज बिटवीन C5 to T1, ठीक है, C5 to यानी सर्वाइकल C5 to थोरिक्स T1। तो ये हो गया आपका पोजीशन। इससे ज़्यादा पोजीशन हम क्या करेंगे? तो ये ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि थायराइड ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू द टू लोब्स, द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड द मिडिल जंक्शन इज नोन एज अगर हम थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका अगर हम लोग चर्चा करें कि व्हाट आर द फंक्शंस, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं? फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में पहला होता है बेसल मास इंडेक्स, BMI को वो क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। बेसल मास हो गया, बेसल मास का क्या काम होता है? अगर हाइपोथायराइडिज्म का अगर केस हो तो उसमें BMI क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म घटेगा। और अगर हाइपरथायराइड होगा तो BMI क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये हो गया बेसल मास। बेसल मास क्या होता है वो हम लोग बताए थे। नेक्स्ट क्या हो गया? इरेथ्रोपोइसिस में भी इसका फॉर्मेशन हेल्प करता है। व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये हो गया आपका इरेथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स में भी क्या? स्केलेटल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? स्केलेटल डेवलपमेंट पे कौन ध्यान देता है आपका? उसके बाद देखो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को वो क्या करता है? रेगुलेट करता है। जरा एक बात बताना, अगर ज्यादा रेगुलेशन हो गया तो फिर कौन ध्यान देगा? पैराथायराइड ग्लैंड। फिर कौन ध्यान देगा? पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड क्या चीज को रेगुलेशन करता है? फॉस्फेट एंड कैल्शियम। कैल्शियम का रेट अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाता है? उसको रेगुलेट करता है। और अगर कम हो जाए तो इसको वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी ठीक से वो सुचारू रूप से करे। अगर इसकी कमी हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, यानी हमारे दिमाग का भी विकसित का एक कारण आपका ये भी थायराइड ग्लैंड भी है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म में क्या अंतर है। तो हाइपो जो मोटा होते जाता है, दिन प्रतिदिन मोटा होते जाता है, वो होता है हाइपोथायराइडिज्म। और जो पतला होते जाता है उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब देखो हाइपोथायराइडिज्म में उसका ओबेसिटी क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ओबेसिटी हम लोग लिख दिए इंक्रीज। नेक्स्ट क्या है? लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या होता है? सुस्ती पर। उसको क्या होगा? लेथार्जिक भी उसका क्या होगा? हाई होगा। नॉन इंसोमिक मतलब उसको नींद नहीं आएगी, वो सोना चाहेगा लेकिन उसको नींद, जो स्लिप साउंड होता है वो उसको स्लिप साउंड नहीं होगा। और जिसको स्लिप साउंड नहीं होगा, मैं आपको बता दें कि आधा से ज़्यादा कारण तो आपका स्लिप साउंड ही होता है। नींद नहीं आती, उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ बेचैनी सा है, आँख एकदम भरा पड़ा है, लगेगा हमारा दिमागी काम नहीं कर रहा, आप कोई काम करो, मतलब आप समझ लो यहाँ से बीमारी सब स्टार्ट होने लग जाता है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट बोलेंगे कि प्लीज़ डॉक्टर साहब कैसे भी हमको नींद की गोली दे दीजिए, हमको सोने दीजिए, हमको नींद की, अरे डोंट, है ना, आप उसका एग्जैक्ट कॉज पकड़ो और उसके बाद आप ट्रीटमेंट पे आप उसकी सलाह दो। तो ये हो गया आपका इनसोमिक हो गया, नॉन इनसोमिक हो गया। उसके लो एपिटाइट, उसको भूख प्यास भी मन नहीं करेगा उसको खाना खाने का, है ना, और भूख प्यास नहीं लगेगा तो वो खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो आपके शरीर में लगेगा नहीं। उसका कॉन्स्टिपेशन भी उसको होगा ही, कब्जियत की शिकायत होगी,
इन चाइल्ड में क्या मेंटल रिटार्ड, वो बच्चा क्या होगा, मेंटल रिटार्ड होगा। और सेकंड कभी कभी देखा गया है कि वो क्या है, ड्वार्फनेस हो रहा है। अभी देखोगे किसी की बहुत अक्सर ऐसे दिख रहे हैं ड्वार्फनेस, तो उसका भी एक केस यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड का भी एक कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मसल्स वीकनेस हो जाएगा, है ना। और साथ में क्या हो गया, अगर ज़्यादा और हम लोग ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। और सूजन के साथ साथ इसमें क्या होगा, वाटर एक्यूमुलेट करने लगेगा। तो वाटर वो दिन प्रतिदिन पैर एकदम फैलता जा रहा है। तो एक केस आपका एलिफेंटिस का भी बनता है, लेकिन एलिफेंटिस और हाइपोथायरायडिज्म बहुत आर डिफरेंट केस। जब आप केस देखोगे ना आपको समझ में आएगा हाइपोथायरायडिज्म और एलिफेंटिस। हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक फूलने लगता है, लेकिन एलिफेंटिस का केस क्या होता है, एक पैर ही क्या होता है, फूलने लगता है। तो जब भी आप केस देखोगे साइन एंड सिम्टम्स अलग करके रखना। तो नेक्स्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। ये फीमेल में पाया जाएगा, उसका क्या होगा, पीरियड्स हमेशा क्या होगा, इरेगुलर होगा। और होगा तो बहुत ज़्यादा होगा और नहीं तो बहुत कम होगा। तो अगर पेशेंट ऐसा शिकायत करे तो आप इस पर एक नज़र रख सकते हो। गोइटर हो सकता है, यहाँ पर ये क्या होगी, सूजन हो जाएगी, इसमें आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन का कमी आपको समझ में आना, क्योंकि यहाँ पर ये ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस हो जाता है, इसमें क्या होता है, T3 का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है और साथ में T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा भी केस देखा जाता है जिसमें T3 का भी लेवल कम हो गया, T4 का भी लेवल कम हो गया, लेकिन TSH का ज़्यादा हो गया। और हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा कारण यही होता है। अभी रिपोर्ट अब आप पढ़ने जाओगे ना, तब जरा पढ़ना, जरा आपको ये सारे केसेस मिलेंगे और तब आप है ना बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ हम लोग ये पढ़े थे। उसके बाद क्या है, सीवर एडिमा मतलब एडिमा जो सूजन हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पोजीशन पे हो जाती है। पेशेंट को लगेगा कि पैर मेरा अब फट जाएगा, बॉडी लगेगा एकदम दर्द से फट जाएगा, मीठा मीठा दर्द सा बना रहेगा। तो आप क्या उसको पेन किलर दोगे, इट्स नॉट गुड, पेन किलर हम उसको नहीं देंगे। तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म में देखो कि ओबेसिटी क्या हो जाती है, ओबेसिटी घटती जाती है, बच्चा एकदम लीन एंड थिन हो जाएगा पेशेंट। लेथार्जिक होगा, इनसोम्निया उसको हमेशा अपन करेगा, सब बोलेगा मम्मी पापा क्या बोलेंगे, अरे तुम लड़का है तुम खेलने क्यों नहीं जाता। उसको यहाँ पर फॉलिकल्स हो जाएगा, फॉलिकल्स मतलब क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे जो हम लोग बात किए थे नोड्यूल्स हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट को देखना आप कि नोड्यूल्स हो गया है, बच्चा एकदम तेज तरार, क्वेश्चन बोला वहाँ से मतलब एकदम तेज तरार, पढ़ने दो तुरंत पढ़ लेगा, याद टेबल से हम लोग जज कर लो, तुरंत भी याद कर लेगा, लेकिन उसके बाद उतनी जल्दी वो उसको भूल भी जाएगा, तो उसमें वो कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर एपेटाइट क्या होगा, गुड होगा, बच्चा क्या होगा, अच्छा खाएगा पिएगा, लेकिन उसके शरीर में नहीं लगेगा। कॉन्स्टिपेशन भी होगा वैसे बच्चों को, ठीक है। और सेम मेंटल रिटार्ड एंड गॉड। फिर मसल्स वीकनेस होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होगी, ग्रेव्स डिजीज मतलब आँख क्या होगी, आँखों का जो बॉल है वो क्या होगा, बड़ा बड़ा सा होगा, तो वो क्या होगा, मेंटल रिटार्ड, सॉरी ग्रेव्स डिजीज होगा। नोड्यूल्स डिजीज जहाँ कहीं कहीं देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा सिस्ट उभर रहा है, तो वो क्या होगा, नोड्यूल्स डिजीज, वो किसका केस में आ जाएगा, आपके किसके केस में आएगा, हाइपोथायराइडिज्म। और गोइटर तो होना ही हो भी सकता है, तो गोइटर भी आपका इसके केस में आ गया। एक बार ये देख लेना, एक बार ये देख लेना यहाँ पर क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है और ये क्या है, फॉलिकल्स है। इस फॉलिकल्स को हम लोग व्यू स्ट्रक्चर में देखे हैं, फॉलिकल्स के जो ऊपरी भाग में जो लेयर्स, ये क्या इसको कहते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम। और ये क्यूबाइडल एपिथेलियम का दो मेजर रोल होता है, एक होता है आयोडीन को ट्रैप करना और दूसरा क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन करना। और वही थायरोग्लोबुलिन कैचेस का फॉर्मेशन करते हैं, थायरोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो आयोडीन है वो क्या करता है, जैसे ये थायरोसिन है, एक आयोडीन को अगर वो ट्रैप किया, यानी कि एक थायरोसिन अगर एक आयोडीन को ट्रैप करता है तो वो बनाता है हाइपोथायरोसिन, जिसको हम लोग सिंपल में कहते हैं MIT। और इसी के बाद यहाँ पर एक थायरोसिन और दो आयोडीन अगर मिल जाते हैं, TIT का फॉर्मेशन करता है। और DIT प्लस DIT का फॉर्मेशन अगर करेगा तो क्या करेगा, DIT प्लस DIT T4 का फॉर्मेशन करेगा, और DIT प्लस MIT का फॉर्मेशन करेगा तो वो T3 का। अब बोलो समझ में आया, तो कल इसी तरह से आई होप समझ में आया। तो सुन लो मेरी तरफ से, करना क्या है, करना ये है कि कल थायराइड ग्लैंड का टेस्ट होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और हम आपको इतनी बातें बता दें
कि अभी तो अभी बेसिक टॉपिक आप लोगों का